अगर आप चाहते हैं HDFC बैंक में घर बैठे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने, अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है HDFC बैंक का, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। तो कैसे HDFC बैंक का अगर आपको क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि कैसे घर बैठे आप HDFC बैंक में एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके आप इंस्टेंट अप्रूवल लेंगे। क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स आपको मिलता है, सभी चीज चर्चा करते हुए मैं आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइनिंग की फीस की बात करूंगा। इस HDFC क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये का, मतलब अलग अलग वेरियंट पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। ज्वाइनिंग फीस होती है और आपका एनुअल फी होता है। तो एनुअल फी आपका वेबऑफ का भी होता है, उसमें 1-2 लाख का अगर आप मतलब साल में खर्चा कर देते हैं तो आपको 500 रुपये वेबऑफ हो जाता है। तो अलग अलग कार्ड पे ये वैरायटी आपको मिलती है, 500 रुपये का चार्जेज आपको देना पड़ता है HDFC बैंक के। अब बेनिफिट्स की मैं बात करूँ इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है। यहाँ पर देखिए लाइफ स्टाइल में आपको कुछ बेनिफिट्स की मैं बात करूँ। यहाँ पर फ्लैट आपको HDFC बैंक के अगर रिलायंस क्रेडिट कार्ड से अगर यूज़ करते हैं 30% का यहाँ पर देख लीजिए आपको ऑफ मिल जाता है। आपको 30% का सीधे आपको डाइनिंग आउटलेट पे आप जाकर के HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो 30% का आपको ऑफ मिल जाता है। यहाँ पे 5% का आपको कैशबैक मिलता है अमेजोन, बुक माई शो, जोमेटो, HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। 5x रिवॉर्ड पॉइंट EMI, अगर कोई भी मनी बैक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो EMI पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 1500 रुपये का आपको बोनस मिलता है HDFC बैंक के अगर फ्लाइट वगैरह होटल वगैरह बुक करते हैं तो। इसलिए आपको यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग जैसेस मिल जाता है, 1000 एयरपोर्ट HDFC रिलायंस रिगेलिया क्रेडिट कार्ड पे आपको इजिली मिल जाता है। और फ्यूल की मैं बात करूँ, यहाँ पे देख रहे हैं 50 लीटर फ्यूल फ्री आपको एनुअल यूज HDFC का जो इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड है इससे आपको मिल जाता है। 1% का सरचार्ज आपको वेब ऑफ मिल जाता है अगर इंडियन ऑयल के क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो। अदर्स की मैं बात करूँ, अदर कुछ बेनिफिट्स हैं। 1000 रुपये आपको फ्री गिफ्ट वाउचर मिलता है अगर 1,00,000 रुपये का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से आप यूज़ कर लेते हैं तो 1,00,000 का आपको फ्री गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए फ्री गिफ्ट वाउचर आपको 2000 का मिलता है अगर मनी बैक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं तो आप इजीली। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी कैटेगरी का, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। आपका जो उम्र होना चाहिए 21 से 60 वर्ष होना चाहिए, जो आपका इनकम है वो 15,000+ होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए सैलरी स्लिप होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगा सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 21 से 65 वर्ष होना चाहिए, और जो आपको ITR है यहाँ पे 7 लाख एनुअल का ITR फाइल करते हैं, आईडी प्रूफ और इनकम प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास ITR के इनकम प्रूफ में आपके पास ITR का या बैलेंस शीट वगैरह आपका चल जाता है इसमें, या आप टैक्स रिटर्न है उसकी भी कॉपी दे सकते हैं। अब मैं बात करूं अदर एलिजिबिलिटी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कोई भी बैंक का अगर आपको इजी क्रेडिट कार्ड हो तो इजली आपको यह बैंक प्रोवाइड कर देता है। मस्ट बी इंडिया का निवासी आपके होना चाहिए, अदर क्राइटेरिया है तो इसको आपको फुलफिल करना है। अब मैं बात करूँगा इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसी लिंक पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। अब चलिए मैं बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जब अप्लाई करेंगे तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कहेगा कि क्या आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आई एम नॉट। तो जो भी आपके पास आपका आप अपने हिसाब से करेंगे, अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना पिन कार्ड नंबर डाल देना है, पिन कार्ड नंबर पर गेट OTP पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, तो यहाँ पे OTP डालना है और व्यू बेस्ट कार्ड्स पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स, अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं तो कुछ डिटेल्स आपसे ले लिया जाएगा, आपका नाम यहाँ पे, आपका जॉब, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, कुछ बेसिक्स, आप पर्सनल ईमेल आईडी, आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, और यहाँ पे नीचे अपना मेलिंग एड्रेस में जो भी आपको चाहिए तो आप मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक उठा लेता है। फिर यहाँ पे चेक बेस्ट ऑफर पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे अगर मैनुअली आप ऐड करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, नहीं तो आप यहाँ पे गेट एड्रेस प्री फिल फॉर्म रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपके क्रेडिट स्कोर से उठा लेगा सारा चीज़ यहाँ से। यहाँ पे कहेगा कि क्या जो आपका जो आपने एड्रेस डाला है ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यस नो कर सकते हैं,
और चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फैचिंग करेगा, कुछ टाइम लगेगा और आपको बेस्ट ऑफर यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैनुअली आपको अपना इनकम वेरीफाई करना होता है, तो आप मैनुअली अपना इनकम वेरीफाई कर सकते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड इनकम वेरीफाइड, यहाँ पे आपको अपना सैलरी स्लिप मैनुअली आपको अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आपको अगर सैलरीड है तो तीन महीने का स्टेटमेंट और आपको एक महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, या आप ITR की कॉपी, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ITR की कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आता है। अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 6 महीने का आपको स्टेटमेंट अपलोड करना है सैलरीड पर्सन है तो, नहीं तो आपको ITR का कॉपी स्टेटमेंट यहाँ के साथ अपलोड करना है। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बेस्ट ऑफर यहाँ पे शो करेगा, कुछ फैचिंग करेगा, कुछ बेस्ट ऑफर आपको शो करेगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स होगा जिसको आपको फुलफिल करना है, तो यहाँ पे कार्ड आपके सामने शो कर देगा। अब इसमें देखिए की या फीचर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके सारे बेनिफिट्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके सामने है यहाँ पे, जो भी फीस वगैरह लगेगा तो यहाँ पे शो करेगा कि आपको कितना फीस देना है। तो सारा चीज़ देखने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिस का एड्रेस पूछेगा, तो पूरा फुल एड्रेस अपना ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे CKYC का डिटेल्स पूछा जाएगा, तो CKYC का मतलब आपका KYC होगा। तो यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, अपने मदर्स का नेम, और आपका CKYC नंबर है तो यहाँ पर नंबर डालेंगे, और नहीं तो आपको नो कर लेना है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय के मतलब कार्ड को अप्लीकेशन कोई एम्प्लॉय हैंडल करे तो यस करें, नहीं तो आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, जिस भी ब्रांच होगा ऑटोमेटिक उठा लेगा। सिंपल सा आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आधार बेस आपको KYC करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आधार बेस EKYC, ठीक है। आधार बेस EKYC होता है और वीडियो KYC आपका कंप्लीट किया जाता है, तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार का जो डॉक्यूमेंट है इसको अपलोड करना, तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके आपको इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना। तो अपने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना है ऑफलाइन फॉर्मेट में, ठीक है। एक्सेल फॉर्मेट में अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपलोड करेंगे और टर्म्स को एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू EKYC पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक हुआ उस पर एक OTP जाएगा, OTP डाल के आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर लेना। तो आपका आधार KYC कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो आपका मेलिंग एड्रेस है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, तो जो भी आपके सामने शो कर रहा है उसको यस करेंगे। तो आपने यहाँ पे यस करिए, अपना आधार पे जो परमानेंट एड्रेस है यही है, तो बस इसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद फिर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेना। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट एंड वेरीफाइड वाले बटन पे क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर और रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया, यानी आपका KYC कंप्लीट हो गया। अब आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करेंगे तो आप पेन कार्ड और एक सादा पेज अपने पास रखे रहिएगा और एक एजेंट आपसे जुटेगा और आपका पेन कार्ड देखेगा और आपको एक सादे पेज पर साइन करना है। जैसे आप साइन करते हैं आपका क्या हो जाता है, आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है और यह कार्ड विद इन 7 दिनों के अंदर जो भी आपने एड्रेस डाला होगा उस एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो HDFC बैंक के कार्ड को इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आए। आपके मन में कोई भी डाउट चाहे कोई भी क्वायरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।